तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप फोर्स आज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको BUSD की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप फोर्स आज में जुड़ने के लिए BUSD कैसे बाय करें खुद से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और आप किसी और क्रिप्टो करेंसी को भी बाय करना चाहते हैं तो वह भी इसी तरीके से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए। यह देखिए, हम बाइनेंस का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस अकाउंट को बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके बाइनेंस का अकाउंट बना सकते हैं, जो कि अपना आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करके आपका अकाउंट बन जाएगा, और आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका अकाउंट कम्प्लीट बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है तो आप बाइनेंस से कर सकते हो और बाद में उसको ट्रस्ट वैलेट में भेज सकते हो। दोस्तों, यह देखिए, हमारे बाइनेंस के अकाउंट में 813 रुपये का अमाउंट है, जो कि हमने कुछ क्रिप्टो करेंसी बाय कर रखी हैं, जो कि डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी हैं। दोस्तों, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए एरो के तो निशान दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सबसे ऊपर ही बाय वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आपको बाय पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने काफ़ी क्रिप्टो करेंसी आ जाएंगी, और आप ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी जिसको आप खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हमने BUSD सर्च कर दिया और यह देखिए आ गई है। अब दोस्तों, जितने रुपये की भी हम BUSD खरीदना चाहते हैं हम वो अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि हम 6500 रुपये की BUSD बाय करेंगे और बाय BUSD पर क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों आपके सामने शो हो जाएगा कि आपको 6500 में कितनी BUSD मिलेंगी। तो दोस्तों, यह देखिए, आपको पेमेंट मेथड भी मिल जाएगा कि आपको किस मेथड से आपको पेमेंट करना है। तो दोस्तों, हम UPI से करेंगे और हमें 74.885 BUSD मिलेंगी, यानी कि दोस्तों हमें 75 BUSD के समथिंग मिलेंगी। अब यह देखिए, हमने क्लिक कर दिया है तो कुछ डिटेल्स आ जाएंगी ऑर्डर से संबंधित। दोस्तों, यह देखिए, ऊपर आपको चैटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको प्राइस मिल जाएगा। यह देखिए, 86.80 की आपको BUSD पड़ रही है एक, और आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, हमने चैटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप यहाँ से उस बंदे के साथ चैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम लोग यहाँ से चैट करते हैं, चैटिंग पर बात करते हैं, क्योंकि उनके लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है। दोस्तों, यह देखिए, आप यहाँ से कुछ लिख भी सकते हैं, या ऊपर मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके उस बंदे को पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये देखिए मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं तो पेमेंट करने के लिए उसकी पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। दोस्तों, ये देखिए, हमने UPI मेथड सिलेक्ट किया था तो उसकी UPI ID का नाम आ जाएगा और उसकी UPI ID आ जाएगी। दोस्तों, हमने इसकी ID कॉपी कर ली है यहाँ पर क्लिक करके, और यह देखिए, अब हम अपने जिस एप्लीकेशन से भी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे अभी हम पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हम फ़ोनपे से करते हैं तो यह देखिए, हमने अपना फ़ोनपे अकाउंट ओपन कर लिया है। अब आपको दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, टू बैंक UPI ID, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए, यहाँ पर आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यह देखिए, हम काफ़ी पहले भी बाय कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी। अब आपको नीचे कोने पर प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उस ID को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हम इस ID को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। जैसे ही ID वेरीफाई होती है तो आप एक बार चेक कर लेना, जो नाम आपको वहाँ पर दिखाया गया था यहाँ पर भी वही नाम है, और निकनेम में आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे USD, बाइनेंस, इस प्रकार से कुछ भी नाम डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम सेव करते हैं तो यह देखिए, हमारी UPI ID सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, हमारी ID अभी सेव नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह देखिए, हम स्पेस को काट देते हैं, जो हमने बाइनेंस के बाद स्पेस दिया था इसको काट देते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। अब दोस्तों, यह देखिए, अब हम सेव करते हैं तो हमारी UPI ID सेव हो जाती है और हमें पेमेंट करने के लिए ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों, हमारा जो ऑर्डर था वह 6500 रुपये का था, तो हम यहाँ पर 6500 रुपये देखिए भर देंगे। तो दोस्तों, हम 6500 रुपये यहाँ पर डाल देते हैं, और नीचे आपको ऐड ए मैसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर कुछ डाल भी सकते हैं, या कुछ भी डालिए, या नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा। दोस्तों, हम नेक्स्ट कर देंगे और देखिए, पे के लिए ऑप्शन आएगा तो हम अपना भुगतान कर देंगे। अब दोस्तों, आपको UPI पिन डालने के लिए ऑप्शन आएगा तो आप अपना पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, हम अपना UPI पिन डाल देते हैं, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, यह देखिए, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। दोस्तों, यह देखिए, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र डिटेल पर क्लिक करना है और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। दोस्तों, अमाउंट तो हमारा खैर बगैर स्क्रीनशॉट के भी आ जाएगा, लेकिन हम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उस बंदे को हम सेंड कर देंगे जिससे हम BUSD बाय करना चाहते हैं। अब दोस्तों, हम बाइनेंस का अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो हमारा अकाउंट वहीं पर ओपन हो जाएगा, यह देखिए दोस्तों। अब दोस्तों, नीचे आपको ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो उस सेलर के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और वह हमारा अमाउंट भेज देगा।
दोस्तों आपको ऊपर चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यह देखिए चैट का ऑप्शन दिख रहा है और जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था उस स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पर भेज सकते हैं। दोस्तों ये देखिए हमें यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और एल्बम पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी हमारा स्क्रीनशॉट है हम उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इस बंदे को भेज देंगे। तो दोस्तों यह देखिए हमने अपना स्क्रीनशॉट इसको भेज दिया है और देखिए कुछ ही टाइम में हमारा पेमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट भेजने के बाद हमें 2-4 मिनट 5 मिनट थोड़ा इंतज़ार कर लेना है, तो उसके बाद हमारे अकाउंट में BUSD क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों यह जो BUSD बाय किए गए हैं यह फोर्स आज की जॉइनिंग के लिए बाय किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे हरियाणा के मेंबर हैं जिनको हमें ये BUSD सेंड करने हैं, तो हमने ये बाय कर लिया। उन्होंने हमें फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र किए थे और दोस्तों उनको बाइनेंस का अकाउंट नहीं था और उनको ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था इसके बारे में। तो दोस्तों अब हम इस अमाउंट को उनके ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करके और फोर्स आज में उनकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो दोस्तों यह देखिए अब हमारे BUSD यहाँ पर ऐड हो चुके हैं और हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यह देखिए 74.884 BUSD हमें आ चुके हैं और दोस्तों आप यहाँ से किसी को फीडबैक भी दे सकते हैं जो सेलर था। तो दोस्तों हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन देते हैं और डन कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑर्डर बाइनेंस का कंप्लीट हो चुका है और जो हमने 6,500 रुपये के BUSD खरीदे थे वह बाय हो चुके हैं और हमारे वैलेट में भी ऐड हो चुके हैं। दोस्तों ये देखिए हमें 87 रुपये के समथिंग का एक BUSD पड़ा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।